इंदौर में हुए एक लव जिहाद के मामले को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है। आपको बता दें कि केरला स्टोरी को लेकर पश्चिम बंगाल में विवाद चल रहे थे। पश्चिम बंगाल में केरला स्टोरी को बैन करने की बातें भी हो रही थी। इसी बात को लेकर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि ममता दीदी एक फिल्म किस तरह से बदलाव ला सकती है, इसका उदाहरण है केरला स्टोरी। इस बार इस फिल्म को देखकर इंदौर में हमारी बेटी का मन परिवर्तित हुआ है। उसका जो ब्रेन वॉश किया गया था, उसने आरोपी का ब्रेन वॉश किया है। ममता दीदी देख लो फिल्म का असर, आप तो फिल्म चलने नहीं दे रही हैं। सुनिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी को घेरते हुए केरला स्टोरी को लेकर क्या बड़ी बातें कही। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर भी कई बड़ी बातें कही हैं। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश के महिला थानों के लिए हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि कहीं भी अगर महिलाओं को लेकर ऐसी शिकायतें आती हैं तो उन्हें गंभीरता से लिया जाए और तुरंत जांच करने के आदेश दिए जाएं। ममता दीदी, ये होता है फिल्मों का समाज पर असर। जिस केरला स्टोरी को आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बंगाल में नहीं चलने दे रही आप, हमारी बेटी जब इंदौर में गई और उसके बाद में उसका मानस परिवर्तन हुआ और रिपोर्ट डाल के फैजान को गिरफ्तार करवाया और कार्रवाई कराई। जो लोग केरला स्टोरी का विरोध कर रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि किस तरह से व्यक्ति की मानसिकता और ब्रेन वॉश जो करते थे उनके बारे में उल्टा बेनबाज होकर के आज हमारी बेटी इंदौर में न्याय पा रही है और बाकी जगह भी हमारी बेटियां न्याय पाएंगी।